हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैट एग्जाम में लॉजिक सेक्शन से चार सेट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सेट में चार क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस, यानी 16 × 3 = 48 मार्क्स। आज हम कैट 2017 पेपर का एक लॉजिक का सेट सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फंकी पिज्जेरिया वॉज रिक्वायर्ड टू सप्लाई पिज्जाज टू 3 डिफरेंट पार्टीज। The total number of pizzas it had to deliver was 800, 70% of which were to be delivered to party 3 and the rest equally divided between party 1 and party 2. Pizzas could be of thin crust T or deep dish D variety and come in either normal cheese NC or extra cheese EC versions. Hence, these are four types of pizzas: TNC, TEC, DNC, and DEC. Partial information about proportions of T and NC pizzas ordered by the three parties is given below. Okay, तो इस क्वेश्चन में बताया गया है फंकी पिज्जेरिया नाम का एक पिज्जा सप्लायर है, उसे तीन पार्टीज में पिज्जा सप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा जो कि है वो 800 है, उसमें से 70% पार्टी 3 में डिलीवर करना है और बाकी बचे हुए 15% पार्टी 1 और पार्टी 2 में डिलीवर करना है, ठीक है। और पिज्ज़ा के जो टाइप्स हैं वो थिन क्रस्ट और डीप डिश हैं, ठीक है। और में दो वेराइटीज़ और हैं, क्या है, नॉर्मल चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से चार वेराइटीज़ बन जाती हैं, पहली टी एन सी यानी थिन नॉर्मल चीज़, और दूसरा थिन एक्स्ट्रा चीज़ टी ई सी, और डी एन सी यानी डीप डिश नॉर्मल चीज़ एंड डी ई सी यानी डीप डिश एक्स्ट्रा चीज़। तो इस तरीके से चार वैराइटीज़ हैं। और नीचे इन्फॉर्मेशन जो कि गिवन है, पार्टी वन में थिन क्रस्ट के 0.6 हैं यानी 60%, इस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन था हमने उसको इस टेबल में पुट कर दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मैनी थिन क्रस्ट पिज्जाज टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी थ्री, यानी पार्टी थ्री में थिन क्रस्ट के कितने पिज़्ज़ा डिलीवर हुए हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 120 का 60% कितना होता है, 72, और 120 का 55%, 50% 60 और 5% 6 यानी 66। ओके, और 800 का 37.5% कितना होगा, हमें पता है 1/8 होता है 12.5%, इंटू 3 करेंगे आएगा 37.5, तो इंटू 3 इंटू 800, ओके, कट करेंगे आएगा 100, तो वैल्यू आएगी 300, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 300, ठीक है। अब 300 में से ये दोनों माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, 300 माइनस इन दोनों का सम होगा 138, आएगा 162, ठीक है। ओके, तो पहले का आंसर है 162 यानी ऑप्शन बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ाज वर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी वन, यानी पार्टी वन में नॉर्मल चीज़ के कितने पिज़्ज़ा डिलीवर हुए हैं, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। 120 का 30% 36 होता है, एंड 560 का 65%, ठीक है, 560 का 65%, पहले 50% होगा कितना, 280, एंड 10% कितना होगा, 56, 5% 28, सम करेंगे तो कितना आएगा, 364। और 800 का 52, 50% 400, 2% 16 यानी 416 हो जाएगा, ठीक है। अब 416 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 416 माइनस 364 माइनस 36, तो कितना आएगा, तो 364 माइनस करेंगे तो आएगा 52, फिर माइनस 36 कितना आएगा, 16, तो आ जाएगा आंसर 16, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है 16 यानी ऑप्शन सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर पार्टी टू इफ 50% ऑफ नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ाज वर ऑफ थिन क्रस्ट वेराइटी
वट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ TEC एंड DEC पिज्जाज टू बी डिलीवर्ड टू पार्टी टू. ओके, इसमें बताया है कि पार्टी टू के अगर नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ा जो हैं वो 50% थिन क्रस्ट के हैं, ठीक है, 36 का 50%, 18 जो है वो थिन क्रस्ट है, ठीक है. अब हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन TEC एंड DEC, TEC और DEC का डिफरेंस क्या है. ओके, तो 66 में से 18 गया तो आएगा 48, ठीक है. ओके, और हमें पता है 120 का 30% कितना है, तो 70% कितना होगा, 84 होगा. ओके, तो अगर EC का 84 टोटल 84 है, ठीक है, उसमें से 48 इतना है, तो बाकी का EC कितना होगा, बाकी का EC होगा 36, ठीक है, बाकी का EC होगा 36. तो अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. सो 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12. ओके, तो थर्ड का आंसर है 12, यानी ऑप्शन बी. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, सपोज दैट TNC पिज्ज़ा कॉस्ट एज मच एज DNC पिज्ज़ा बट 3/5 ऑफ द प्राइस ऑफ DEC पिज्ज़ा. ए, DEC पिज्ज़ा कॉस्ट ₹50 मोर देन TEC पिज्ज़ा एंड लेटर कॉस्ट 500. इफ 25% ऑफ द नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ा डिलीवर्ड टू पार्टी वन वर डीप डिश वेराइटी, वॉट वॉज द टोटल बिल फॉर पार्टी वन. ठीक है, पार्टी वन का टोटल बिल फाइंड करना है. आफ्टर ऑल सॉल्व करके देखते हैं इसको. पहले बोला है TNC पिज़्ज़ा और DNC पिज़्ज़ा एक एक सेम प्राइस के हैं, ये और ये सेम प्राइस का है. और आगे बताया है जो DEC का कॉस्ट आएगा उसका 3/5 इनका कॉस्ट बनता है. ठीक है, तो DEC इंटू 3/5 इज इक्वल टू TNC और DNC. ओके, और आगे गिवन है DEC पिज़्ज़ा कॉस्ट 50 मोर देन TEC. ठीक है, और TEC का कॉस्ट गिवन है 500. TEC का 500 प्लस 50 इज इक्वल टू DEC. ठीक है, तो यानी 550, 500 प्लस 50, 3/5 करेंगे तो आएगा 330. तो इन दोनों का कॉस्ट आता है 330, इसका कॉस्ट 500, इसका 550. तब कैलकुलेट करके देखते हैं हम. ओके, आगे क्या बोला है, इफ 25% ऑफ द नॉर्मल चीज़ पिज्ज़ा डिलीवर टू पार्टी वन ऑफ डीप डिश वेराइटी. ठीक है, यानी नॉर्मल चीज़ में जो डिलीवर हुआ है उसका 25% डीप डिश वेराइटी का, यानी इसका 25 यानी 4 डीप डिश वेराइटी. ओके, और बाकी का थिन क्रस्ट का हो जाएगा यानी 12, इसमें से 12 गया तो आएगा 60. ठीक है, ये 60% 72 है, तो यानी 40% कितना होगा, 40% होगा 48. 48 में से 4 गया तो आएगा 44. अब सिर्फ कैलकुलेट करना बाकी है, मतलब अमाउंट. ठीक है, इन दोनों का प्राइस तो सेम है तो एक साथ निकाल लेते हैं इनका. तो 16 इंटू 330 वैल्यू कितनी आएगी, 5280. ओके, आगे क्या है, इसका कॉस्ट है 500, 60 इंटू 500 वैल्यू क्या आएगी, 30,000. ओके, 30,000. आगे क्या है, ये वाली वैल्यू 44 इंटू 550 वैल्यू कितनी आएगी, 24,200. इसका सम करेंगे कितना आएगा, सम आएगा 59480. ओके, यानी ऑप्शन ए. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने देखा हमें हर एक वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम हर वैल्यू निकालने बैठेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा, इसलिए उतना ही सॉल्व करो जितनी ज़रूरत है, इससे हमारा टाइम सेव होगा. ठीक है.